खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आर्टिकल 370 खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, ये कहना गलत है कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया। आर्टिकल 371 क्लॉज 1 बिल्कुल कायम है और संविधान का अंग है। क्लॉज 2 और 3 को हटाया गया है। क्लॉज 1 क्या होता है सर? क्लॉज 1 में प्रावधान है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से संविधान के किन्हीं अनुच्छेदों को जम्मू एंड कश्मीर पर लागू किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर सरकार की सहमति से किन्हीं भी प्रोविजंस को लागू किया जा सकता है। क्या 35A आर्टिकल 370 का हिस्सा है और वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया है? आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 का हिस्सा नहीं है। 370 के अंतर्गत, जैसा मैंने कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किन्हीं आर्टिकल्स को लागू किया जा सकता है, तो 370 के अंतर्गत एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1954 में जारी हुआ, उसके द्वारा बहुत सारे आर्टिकल्स को जम्मू एंड कश्मीर पर लागू किया गया था ज्यों का त्यों या विद सम अमेंडमेंट्स। 35A उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का पार्ट था, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का एक अंग था। क्या राष्ट्रपति के पास महज एक आदेश के जरिए 370 को खत्म करने का अधिकार है? अगर है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? नहीं, प्रेसिडेंट को संविधान की विभिन्न धाराएं लागू करने का अधिकार है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा विद द कंसेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, लेकिन 370 को खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 373 क्लॉज 3 में प्रावधान था कि इसको नॉन ऑपरेशनल अगर करना हो तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्करेंस चाहिए। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं, तो उसका सवाल उठा कि उसका सक्सेसर कौन हो, तो वो ये स्पष्ट किया गया कि उसका सक्सेसर लेजिस्लेटिव असेंबली को माना जाएगा। क्या 370 हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश पर संसद की मुहर लगनी जरूरी है? मैंने निवेदन किया कि 370 को हटाया ही नहीं गया जी। ये मीडिया का रिपोर्टिंग गलत है कि 370 को हटाया जा रहा है या हटाया गया। 370 को हटाया नहीं गया। और जहां तक प्रेसिडेंट की रिपोर्ट का सवाल है, मैंने जैसा निवेदन किया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही संविधान के अन्य अनुच्छेदों को लागू किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट के नाम से ही होगा और प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा। सर, सोमवार को राष्ट्रपति के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति क्या बदलाव होगा और कब तक होगा? उसके लिए मैं समझता हूँ कि संविधान के आर्टिकल्स 2, 3, 4 जो अब जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, पहले लागू नहीं होते थे, तो उनके अंतर्गत एक बिल पास करना होगा लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके अनुसार लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बनाई जाएंगी और लद्दाख में बिल्कुल डायरेक्ट रूल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेट असेंबली भी होगी विद लिमिटेड पावर्स, जैसा कि पुडुचेरी में और दिल्ली में है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर और लैंड, पुलिस, ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट के, और बाकी मामलों में स्टेट लेजिस्लेचर को जम्मू एंड कश्मीर के केस में
स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ सीमित अधिकार प्राप्त होंगे, जैसा दिल्ली में या पुडुचेरी में है वही स्थिति होगी। पुलिस वगैरह के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही जाना होगा। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी और इसमें कितना वक्त लग सकता है आपके? मैंने अभी निवेदन किया आपको कि उसके लिए वक्त कितना लग सकता है, इसका आप थोड़ा अंदाजा दे सकते? वक्त का तो कोई प्रोविजन नहीं होता है, मिनटों में भी पास हो सकता है, दिन भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं, तो संसद के ऊपर है कितना समय लगेगा। बाकी मैंने निवेदन किया कि आर्टिकल्स 2, 3, 4 के अंदर ये साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है दोनों सदनों में, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। सर, ऐसे में जब राज्य में विधानसभा नहीं है तो उसकी भूमिका कौन निभाएगा और कैसे निभाएगा? विधानपालिका है लेकिन वो भारत की संसद है, क्योंकि प्रेसिडेंट सूल लगा हुआ है, तो जो विधायी अधिकार हैं वो सब संसद के पास हैं और संसद पूरे देश की है। बल्कि राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं, जम्मू एंड कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। तो लेजिस्लेचर तो है जम्मू एंड कश्मीर की भी, लेकिन वो जो केंद्रीय लेजिस्लेचर है वो ही आजकल, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है इसलिए वही वहाँ की लेजिस्लेचर है, स्टेट की लेजिस्लेचर आजकल नहीं है। कोई और जरूरी बहुत अहम बात जो आप इसमें ऐड करना चाहें? बस कह सकते हैं कि ये जो मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है, दो बात उसमें खास तौर से मेरे विनीत मत में गलत हैं। एक तो ये है कि 370 ख़त्म कर दिया गया, ये सही नहीं है। दूसरे, जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था या 370 कोई स्पेशल प्रोविजन थी, टेक्निकली ये भी सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 का हेडिंग आप देखिए तो वो है टेम्परेरी प्रोविजन, तो बाय डेफिनेशन टेम्परेरी प्रोविजन वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एनविसाज करें कि टेम्परेरी पीरियड के लिए है और एडहॉक प्रोविजन है और फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है या ख़त्म की जा सकती है, तो उसको स्पेशल प्रोविजन नहीं कहा गया। जबकि नागालैंड के केस में जो आर्टिकल 371 है उसका हेडिंग है स्पेशल प्रोविजन, 370 का हेडिंग है टेम्परेरी प्रोविजन, तो स्पेशल स्टेटस टेक्निकली कोई नहीं देते है कश्मीर को, ये टेम्परेरी स्टेटस है और टेम्परेरी प्रोविजन है। तो ये मीडिया में जो आता है स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म हो गया या स्पेशल प्रोविजन थी, वो गलत है, टेक्निकली कम से कम गलत है।